नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिना वर्क एक्सपीरियंस के आप स्टॉक मार्केट में काम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए वर्क एक्सपीरियंस बहुत ही जरूरी होता है। कहीं पर भी आप वैकेंसी देखोगे स्टॉक मार्केट की, तो वहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस मांगा ही जाता है। नॉर्मली जो स्टॉक मार्केट की वैकेंसी होती है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि एटलीस्ट आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, कुछ NISM के सर्टिफिकेशंस आपके होना चाहिए और साथ में वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। हर बड़ी ब्रोकिंग कंपनी के जब भी वैकेंसीज आती हैं तो उनकी वैकेंसी में ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता ही है कि आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ब्रोकिंग कंपनी में काम करने का या फिर उस तरीके की कोई सेम कंपनी में काम करने का। बट कई लोगों के पास में वर्क एक्सपीरियंस होता नहीं है, जस्ट वो ग्रेजुएशन करके बाहर निकले हुए होते हैं, फ्रेशर्स बंदे होते हैं। तो ऐसे में उनके सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या हमारे पास में वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या हमें जॉब मिलेगा ही नहीं। मन में सवाल तो यही आएगा ना कि हम जब एजुकेशन करके बाहर निकले, जब तक हम कोई काम करेंगे नहीं तो वर्क एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से। काम की तो शुरुआत हमें कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा, तो फिर ये कंपनियाँ ऐसी वैकेंसी क्यों निकालती कि हमें वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अरे भैया, हम कहीं ना कहीं से काम शुरू करके ही तो वर्क एक्सपीरियंस लेंगे ना। तो आज मैं अगले वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप विदाउट वर्क एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट में जॉब कैसे हासिल कर सकते। देखिए दोस्तों, विदाउट वर्क एक्सपीरियंस आप स्टॉक मार्केट में जॉब हासिल कर सकते हो, बट ये जो जॉब आपको मिलेगा ये बड़ी ब्रोकिंग कंपनी में नहीं मिलेगा। हर बड़ी ब्रोकिंग कंपनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही होता है कि वर्क एक्सपीरियंस मांगते ही है। जैसे कि शेर खान हो गया, आनंद राठी हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, तो ये सब बड़े ब्रोकर्स हैं। इन ब्रोकर्स की वैकेंसी हमेशा ऐसी रहेंगी जिसमें वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, तो आपको इन कंपनियों में जॉब एज ए फ्रेशर शायद नहीं मिलेगा। तो आपको विदाउट वर्क एक्सपीरियंस अगर जॉब हासिल करना है तो आपको कोई छोटी मोटी ब्रोकिंग कंपनी में जॉब हासिल करना पड़ेगा या फिर किसी सब ब्रोकर के ऑफिस में आपको जॉब करना पड़ेगा। वहाँ पे नॉर्मली वर्क एक्सपीरियंस मांगा नहीं जाता है, मांगा तो जाता है बट फ्रेशर्स को भी वो लोग हायर करते हैं, क्योंकि उनका जो होता है कि फोकस एकदम ये नहीं होता है कि हमें बहुत क्वालिटी एम्प्लॉय चाहिए, क्योंकि उनका जो धंधा होता है छोटा धंधा होता है, छोटे ब्रोकर्स होते हैं या फिर सब ब्रोकर्स होते हैं, छोटा धंधा होता है, वो फ्रेशर्स को भी हायर कर लेते हैं, सैलरी उन्हें कम देना पड़ता है। मैंने खुद दोस्तों स्टॉक मार्केट में जो जॉब हासिल किया था वो विदाउट वर्क एक्सपीरियंस ही किया था। मेरे पास में भी कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, मैं ग्रेजुएशन करके बाहर निकला था और स्टॉक मार्केट में जॉब ढूंढने के लिए निकला था, तो मेरे पास में भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने भी जो काम किया वो छोटी मोटी ब्रोकिंग कंपनी में ही काम किया हूँ। उसके बाद में फिर बड़ी बड़ी ब्रोकिंग कंपनी के जॉब के ऑफर मुझे आए, फिर वहाँ पर भी मैंने काम किया। बट स्टार्टिंग आपको छोटी ब्रोकिंग कंपनी में ही करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है। वो वर्क एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए कोई छोटी ब्रोकिंग कंपनी में काम करना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि विदाउट वर्क एक्सपीरियंस आपको कोई भी छोटी मोटी ब्रोकिंग कंपनी में जॉब मिल जाएगा या फिर सब ब्रोकर के ऑफिस में जॉब मिल जाएगा। वहाँ पे आप जॉब करिए, एटलीस्ट 6 महीने साल भर का एक्सपीरियंस लीजिए, फिर उसके बाद में बड़ी ब्रोकिंग कंपनी में जॉब के लिए आप ट्राई कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि आपको बड़ी ब्रोकिंग कंपनी में काम करना है तो वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस तो लगेगा, उसके सिवा काम होने वाला नहीं है। आप ये सोचोगे मैं एज ए फ्रेशर हूँ, डायरेक्टली मैं मोतीलाल ओसवाल में चले जाता हूँ, शेरखान में चले जाता हूँ, तो शायद नहीं होगा। क्योंकि उनका क्या होता है कि उनके पास में बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं, उनके काम में एक्यूरेसी बहुत चाहिए, गलती की गुंजाइश वहाँ पे होनी नहीं चाहिए, तो ऐसे में वो नए बंदे पे रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। उनका कहने का मतलब यही होता है कि आप कहीं पर भी काम करिए, हमारे पास में वर्क एक्सपीरियंस लेके आइए, तो फिर हमारे पास में जो ऑप्शन बचता है वो यही बचता है कि जो छोटे ब्रोकर्स हैं हम उनके पास में काम करें, सब ब्रोकर्स के पास में काम करें, वहाँ से वर्क एक्सपीरियंस हासिल करें, फिर बड़े ब्रोकर के पास में काम करने आए। तो वहाँ पे जब आप बड़े ब्रोकर के पास में काम करने जाओगे तो डेफिनेटली आपको सैलरी हाइक के साथ में अच्छा काम मिलेगा, ठीक है, आपका करियर ग्रोथ भी वही होने वाला है बड़ी ब्रोकिंग कंपनी में, बट उसके लिए वर्क एक्सपीरियंस लगेगा। तो एक बार वर्क एक्सपीरियंस हासिल कर लीजिए, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनी के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। दोस्तों स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है वो है वर्क एक्सपीरियंस। आपके पास में जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा उतनी ही आपकी वैल्यू रहेगी स्टॉक मार्केट में। यहाँ पे डिग्री को उतना मायने नहीं है, यहाँ पे NISM सर्टिफिकेशन को उतना मायने नहीं है, मायने हैं बट उतना नहीं है जितना वर्क एक्सपीरियंस को है। जितना ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस आपके पास में रहेगा उतना ही ज़्यादा वेटेज, उतना ही ज़्यादा वजन आपका रहेगा। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लेने की। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा स्टॉक मार्केट में काम करने का, आपका सैलरी भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, आपका इंसेंटिव भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि काम करने की इफिशेंसी हमारे अंदर में आती है और बहुत अच्छे से हम काम करते हैं, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं कंपनी को और उस पर हमको इंसेंटिव भी अच्छा मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि छोटी मोटी ब्रोकिंग कंपनी में एटलीस्ट आप 6 महीने से लेकर तो 1 साल तक काम करिए, उसके बाद में फिर बड़ी ब्रोकिंग कंपनी में काम करने के लिए ट्राई करिए, ठीक है, अप्लाई करिए बड़ी ब्रोकिंग कंपनी में।
जैसे ही आपका एक साल कंप्लीट हो जाए कोई भी छोटी मोटी ब्रोकिंग कंपनी में, तो अपना रिज्यूम आप naukri.com पे अपलोड कर दीजिए। जैसे ही आप अपलोड करोगे उस रिज्यूम में एक साल का एक्सपीरियंस आपका दिखेगा स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में काम करने का, तो डेफिनेटली आपको बड़ी बड़ी ब्रोकिंग कंपनी के कॉल्स आएंगे इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ पे जाइए और आपका इजीली वहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि उस समय आपके पास में फुल्ली एलिजिबल हो जाते हो आप बड़ी ब्रोकिंग कंपनी में काम करने के लिए। ग्रेजुएशन तो ऑलरेडी आपका हुआ होगा और वर्क एक्सपीरियंस भी अभी आपने ले लिया। उसके बाद एक और चीज़ बस ये NISM का सर्टिफिकेशन। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब आप छोटी मोटी ब्रोकिंग कंपनी में काम कर रहे हो तो उसी दौरान आप अपना NISM का सर्टिफिकेशन भी क्लियर कर लीजिए, ताकि आप फुल्ली एलिजिबल हो जाते हो बड़ी ब्रोकिंग कंपनी में काम करने के लिए। देखिए दोस्तों, NISM के सर्टिफिकेशन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। बड़ी ब्रोकिंग कंपनी का ये इसेंशियल क्राइटेरिया होता है कि आपके पास में NISM के सर्टिफिकेशन होना चाहिए, मतलब होना ही चाहिए। तो इसीलिए वर्क एक्सपीरियंस आपके पास में ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास में ठीक है, तो NISM के सर्टिफिकेशन भी आप क्लियर कर लीजिए। कोई बहुत मुश्किल एग्जाम नहीं होती है, NISM की एग्जाम आसान होती है। अगर आप ठीक से पढ़ाई करोगे, ठीक से समझ के सारी चीज़ें करोगे तो बहुत आसान है। मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे जिसमें मैंने बताया कि NISM एग्जाम किस तरीके से हम पास कर सकते हैं, तो बहुत आसान है। कहाँ से स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, तो बहुत सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर आपको देखेंगे, तो वो देखिए आप। और NISM एग्ज़ाम अपने जो स्टार्टिंग जॉब होता है आपका छोटी मोटी ब्रोकिंग कंपनी में, उसी दौरान क्लियर करिए, ठीक है, ताकि फिर आपको बड़ी ब्रोकिंग कंपनी में काम करने में दिक्कत ना हो। अब मन में सवाल ऐसा आता है कि हमें छोटी मोटी ब्रोकिंग कंपनी में विदाउट वर्क एक्सपीरियंस काम कैसे मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके लिए कोई वैकेंसी क्रिएट नहीं होती है, ठीक है, कहीं पर भी आपको ऐसी कोई वैकेंसी दिखाई नहीं देंगी स्टॉक मार्केट की कि जहाँ पे विदाउट वर्क एक्सपीरियंस काम मांगा गया है, ठीक है। हमेशा वर्क एक्सपीरियंस के साथ में ही वैकेंसी आती है, तो ये वैकेंसी आपको खुद से क्रिएट करने पड़ेंगी। अब खुद से आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, जो मैंने किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप सिंपल गूगल पे जाइए और गूगल पे आप सर्च करिए लिस्ट ऑफ शेयर ब्रोकर इन बेंगलोर, जिस भी शहर में आप रहते हो, लिस्ट ऑफ शेयर ब्रोकर इन चेन्नई, जिस भी शहर में आप रह रहे हो, ऐसा लिखिए। जब आप ऐसा लिखोगे तो आपके सामने आपके शहर में जितने ब्रोकर्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएंगी, उनके नाम आ जाएंगे, उनके एड्रेस, फ़ोन नंबर, सब कुछ आ जाएगा। तो उनको फ़ोन करके आप पूछिए कि आपके पास में वैकेंसी है क्या स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए। तो 10 जगह अगर आप फ़ोन करोगे तो कोई एक ज़रूर आपको बोलेगा कि वैकेंसी है, तो वहाँ पर जाइए आप, इंटरव्यू दीजिए और सिलेक्ट होइए। और वहाँ पर सिलेक्ट होने के बाद में आपका फोकस रखिए वर्क एक्सपीरियंस लेने पे। बेशक आपको सैलरी वहाँ पे कम मिलने वाली है, क्योंकि स्टार्टिंग जॉब है, छोटी कंपनी है, सैलरी तो बहुत कम मिलने वाली है। सैलरी पे फोकस मत रखिए, आपका फोकस होना चाहिए लर्निंग पे और एक्सपीरियंस लेने पे, ठीक है। तो किसी न किसी तरीके से आप जॉब हासिल कर लीजिए, एक्सपीरियंस ले लीजिए, उसके बाद में फिर आपका करियर वहाँ से ग्रो होना चालू होता है। जब आप गूगल पे सर्च करोगे लिस्ट ऑफ शेयर ब्रोकर इन बैंगलोर या चेन्नई जो भी है, तो आपके सामने बहुत सारे ब्रोकर आएंगे। तो वहाँ पे जो बड़े ब्रोकर्स हैं उनको कॉल्स नहीं करना है, ठीक है, छोटे ब्रोकर्स को ही कॉल करना है। अब ये कैसे पता चलता है कि छोटे ब्रोकर्स कौन से हैं और बड़े ब्रोकर्स कौन से हैं? तो इसके लिए आप एक लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हो, जिन ब्रोकर्स का नाम आपने सुने हैं वो बड़े ब्रोकर्स हैं, और जिन ब्रोकर्स का नाम आपने नहीं सुने वो छोटे ब्रोकर्स हैं। जैसे कि आपने शेर खान का नाम सुने होंगे, एंजल ब्रोकिंग का नाम सुने होंगे, आनंद राठी का नाम सुने होंगे, मोतीलाल ओसवाल का नाम सुने होंगे, तो ऑब्वियसली ये बड़े ब्रोकर्स हैं, तो इनको कॉल मत करिए, क्योंकि एज ए फ्रेशर्स के लिए इनके पास में कोई वैकेंसी होती नहीं है, ठीक है। तो इनके अलावा जो दूसरे ब्रोकर्स रहेंगे उनको कॉल करिए, तो दैट मीन्स छोटे ब्रोकर्स होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जॉब आसानी से मिल सकता है एज ए फ्रेशर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि विदाउट वर्क एक्सपीरियंस आप स्टॉक मार्केट में जॉब कैसे हासिल कर सकते हो। एक्सपीरियंस तो जरूरी है स्टॉक मार्केट में, बट इनिशियल स्टेज पे एंट्री आप कैसे ले सकते हो विदाउट वर्क एक्सपीरियंस, वो मैंने आपको बताई है इस वीडियो में बताया हूँ, ठीक है। तो इसको आप अप्लाई करिए और स्टॉक मार्केट में आके अपना करियर बना सकते हो। बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत ही ज़्यादा स्कोप है इस फील्ड में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। बाय।